मतलब दंगा फैलने की पूरी पूरी आशंका थी, उसके बावजूद ऐसे केस में भी आपने एक भी आदमी की गिरफ्तारी नहीं करी। नहीं, कहाँ है, कौन है वो सात आदमी? फिर जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे कैसे जो अकाली गेट दी उन्होंने, क्या कार्रवाई करोगे आप? ये देखो ना जी, एक महीना हो गया डीएसपी साहब। और सर, उन 13 आदमी में से पहले गिरफ्तारी हो जाती तो शायद हमारे इन ये दोबारा नहीं करती। अपाहिज आदमी है, हाथ कटा हुआ, ये खेत इनका भैंस इनके खेतों में चढ़ा रहे हैं। अगर ये भाई कह रहे हैं निकालने के लिए तो फिर लाठियों से बार कर रहे हैं। और एक एक आदमी को कह रहे हैं मारेंगे हम, जो भी अपट्टे पड़ जाएगा उसको छोड़ेंगे नहीं हम। जो मौजूदा आदमी है ना उनको ज्यादा धमकी दी जाती है। आरोपी गिरफ्तार नहीं करा, बार बार एसपी साहब से मिलते रहे, दो तीन बार डीएसपी साहब के पास हम कम से कम 3-4 दफा मिलते रहे। भाई डीएसपी साहब, आपका प्रशासन इन्हें सुरक्षा का विश्वास दिलाने में बिल्कुल फेल है, नाकाम है। यदि गिरफ्तारी करने का काम भी भीम आर्मी करने लगी तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी ना जी। यदि यूं कह पुलिस के हमें नहीं मिल रहे हैं तो फिर हम ढूंढना शुरू करते हैं उनको। और यूं कहना कि भाई वो गांव में जो इन्हें धमकी देते हैं, हम जाके यहाँ से सीधे गाँव में ही जाएंगे, ठीक है? क्योंकि आप इन्हें सुरक्षा दे नहीं रहे और इनके न सुरक्षा की गारंटी दे रहे, उनको उनके समझ में नहीं आ रही वो भाषा आपकी जो समझाना चाह रहे हो। फिर आप हमें ही कहोगे कि हम ही लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहे हैं। यदि हम अपने लोगों की सुरक्षा के लिए जाएंगे तो आप ही कहोगे कि लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहे हैं, क्योंकि इस गांव में लगातार कई घटना घट रही है। ये जो है ना रिकमेंडेशन है, अभी हम डीसी साहब से भी मिलेंगे, उनको भी कहेंगे कि भाई इनको कम से कम 10 आर्म्स के जो हथियार आप दिलाने की जो है वो कराएं अनुशंसा। डिप्टी साहब, आपके सामने मैं इन्हें ये आश्वासन दे रहा हूँ कि भाई आज के बाद इनके पास कोई धमकी वाला नहीं पहुंचेगा, ठीक है जी? और भाई तुम्हारा अपना अधिकार है, मैं कह रहा हूँ खूब रिकॉर्डिंग हो रही है, जो कार्रवाई बनती हो मेरे खिलाफ कर लेना, आत्म रक्षा में जो तुम पे करा जाए वो कर लेना, ये तुम्हारा अधिकार है। तुम्हारी बहन बेटी के साथ कोई अत्याचार करे, तुम्हारे साथ कोई अत्याचार करे, जानलेवा हमला करे, एक ही जगह 10 उगा देना भाई। आप भी एक रिस्पॉन्सिबल अधिकारी हो, तो हमें कोई भी बात ऐसी ना कहे जिससे मिसगाइड करने वाली। 12-10 की जो है FIR है, 12-10 की पूर्णने वाली, ठीक है जी? 12-10 की है और 12-10 से आज कितने दिन हो गए इसको? लगभग एक महीना, लगभग एक महीने में आप एक भी आदमी जिसमें 13 आरोपी नामजद FIR है और अरे सुनो रुक जाओ यार, 13 आरोपी नामजद है और उसके बाद अन्य है, और कम्युनिटी का सामूहिक मामला जिससे जो है मतलब दंगा फैलने की पूरी पूरी आशंका थी, उसके बावजूद ऐसे केस में भी आपने एक भी आदमी की गिरफ्तारी नहीं की। नहीं, कहाँ है, कौन है वो सात आदमी? नाम तो आप सभी जानते हैं, आपको बता दो।
नहीं कहाँ गिरफ्तारी हुई है? कल तक तो बात हुई है डीएसपी साहब से, तो आज सुबह तक भी गिरफ्तारी नहीं हुई, आज सुबह तक भी बात हुई है। कहाँ है वो डीएसपी साहब? नहीं वहाँ का उनके मामला नाम बताओ, कौन कौन से? हाँ बताओ ना, चलो मैं व्हाट्सएप ले लूंगा आपको, बात बता देंगे, ठीक है? हाँ हाँ मैं बता, क्योंकि ना, और कल जो है एक तो ऐसा आदमी ये बताओ कि भाई उस गांव में जो है तीन बोर्ड लगे हुए हैं महापुरुषों के, एक सम्राट मीर भोज का, एक जो है पृथ्वीराज चौहान जी का, तीसरा जो है बाबा साहब अम्बेडकर का। हमें जो है सारे इस बहुजन समाज को ना तो पृथ्वीराज से जो है कोई दिक्कत, महापुरुष है हमारे, ना मीर भोज से कोई परेशानी, लगे हुए हैं फिर जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे कैसे जो है काली गेट दी उन्होंने? कार्रवाई करोगे नहीं, क्या कार्रवाई करोगे आप? ये देखो ना जी, एक महीना हो गया डीएसपी साहब नहीं हुए गिरफ्तार, सुबह तक गिरफ्तारी हुई। आप झूठ बोल रहे सर, नहीं हुए सुबह तक गिरफ्तारी नहीं हुई, हमारे पास मीडिया नहीं, तो कोई बात नहीं, हम पूछ, आपका तो सिस्टम दौड़ता है, हमें तो खुद दौड़ना पड़ता है। आप जो पूछ लो कौन कौन अरेस्ट करे हैं, अभी जो बात सारी क्लियर हो जाएगी, यहाँ मीडिया वाले भी खड़े हैं, ये सारा समाज भी खड़ा है, बता दे। कोई बात नहीं, मंगवा लो आप। और कल इस भाई के साथ ये आपके सामने खड़ा है, मारपीट हुई है, अभी तक FIR भी दर्ज नहीं हुई है। ऊपर से फोन आ गया, कैसे नहीं? जिस गांव में एक महीना से कलेश चल रहा है उस गांव में FIR तुरंत हो जानी चाहिए थी। अगर सर उन 13 आदमियों में से पहले गिरफ्तारी हो जाती तो शायद हमारे इन ये दोबारा घटना नहीं घटती। अपाहिज आदमी है, हाथ कटा हुआ, खेत इनका भैंस इनके खेतों में चढ़ा रहे हैं, अरे भाई कह रहे हैं निकालने के लिए तो फिर लाठियों से बार कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही कल हमला हुआ ना, उसके बाद फिर रात को 10 बजे ऐसा कैसा हो चल रहा है, ये हाल हो रहा है बताओ? वहाँ DSP साहब गए हैं, SHO साहब गए, उसके बाद भी हमला कर रहे हैं रात को 10 बजे। कोई बात ना, अभी जो है देखते हैं क्या आप ये बताओ ना कि पीड़ित आदमी दो बार जो है वहाँ चक्कर लगाई है, सुबह भी फोन पे बात करी, पीड़ित को धमकाते हैं, ये जो है ना अपने पुलिस डिपार्टमेंट को अधिकारियों को जरा आगे करिए, ये जो है ना लोगों को समझते कुछ नहीं, ये जो SHO लग रहे हैं सारे जो है ना, ये हमने बोला हमें प्रशासन की जरूरत है, फिर भी एक भी आदमी रात को 10:00 से एक आदमी भेजा है, जल्दी को सुनवाई नहीं करी। गाँव में जीप की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पे थोड़ी देर बैठ सकते हो सरपंच साहब? 12 तारीख को जो FIR दर्ज हुई थी उसमें भाई DSP साहब कह रहे हैं कि 6 आदमियों को अरेस्ट कर लिया है और कोर्ट में उन्हें पेश कर रहे हैं। अब कह रहे हैं ये मान लेते हैं हम इनकी बात है, अच्छा, और जो दूसरा केस हुआ है उसमें जो है कह रहे हैं FIR हो गई है, जो कल गिरदारी के साथ मारपीट हुई है, 323 नंबर FIR नंबर 323 है, अंडर सेक्शन अभी हम देख लेंगे, अभी कॉपी निकाल के देंगे वो जो। और आपके गांव में काफी दिनों से दंगा चल रहा है, एक महीना हो गया। इसके अलावा बताओ और कोई परेशानी दिक्कत? परेशानी हमें मारने की धमकी दी जा रही है, आने जाने पर हमें बहुत ज्यादा रोका जा रहा है और हर तरीके की परेशानी हो गई, हमारा पानी भी बंद कर दिया जो बात है, और एक एक आदमी को कह रहे भाई मारेंगे हम, जो भी अपट्टे पड़ जाएगा उसको छोड़ेंगे नहीं हम, जो मौजूदा आदमी है ना उनको ज्यादा धमकी दी जा रही है। वाटर सप्लाई की लाइन है? हाँ जी, वो बंद कर दी गई है, बंद कर दी गई, 20 दिन से पानी नहीं आ रहा। ये सर तो आपने प्रशासन के सामने लाई इस बात है? बात हमने कही दी कि मुस्लिम की कहने कुछ कितने भी दे दिया करो, इसमें कितने भी दे दिया करो, दबाव दे रहे फैसले का, दूसरी बात ये फैसला दे रहा, रात ना वही पड़े रहे, दबाव फैसला करो कैसे ही करो, हर हालत में ये है। कौन दबाव देता है? वही गुजर दे रहे हैं दबाव, कोई वीडियो वगैरह कोई फोटो वगैरह वीडियो बनाओ उनकी सारे है, ऐसे लेके दबाव की ऐसा है, जितनी बार देना उतनी एप्लीकेशन दो।
और इनकी जिम्मेदारी है, अगर 10 बार शिकायत दोगे तो ये FIR करेंगे 10 उनके खिलाफ। पहली बात, ये सुनवाई करते तो हमारे साथ ये हादसा नहीं होता। 8-10 तारीख की घटना है, 10 में 2 दिन कम है, लगा लो एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं करा। बार बार SP साहब से भी मिलते गए 2-3 बार, DSP साहब के पास तो हम कम से कम 3-4 दफा मिलते रहे, पहले जिनको सुनवाई नहीं। DSP के पास ही रतन बाली जी के पास गए, रतन बाली जी के पास DSP अधिक, तो रतन बाली जी को या तो अपनी अफसरी का ज्यादा मेरे घर में कमेंट हो गया, प्रशासन को ऊपर से दबाव है, उनके ऊपर स्थानीय मंत्रियों का दबाव है जी, DSP साहब आपका प्रशासन इन्हें सुरक्षा का विश्वास दिलाने में बिल्कुल फेल है, नाकाम है, ठीक है जी। ये हालात है क्योंकि सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, बदलती रहती हैं। आप अधिकारी हो, ये जनता है, आप और इन्हें साथ मिलकर रहना है, पर ये जो रवैया है ये बिल्कुल ही निराशाजनक है और संविधान के नाम पर ना कलंक है। जो लोग सरकारी अधिकारी जो ड्यूटी कर रहे हैं वहां बिल्कुल ही गलत है, कलंक है, क्योंकि सबसे पहला होता है जनता को जो है उनको विश्वास दिलाना कि भाई हम जो आपकी सुरक्षा की गारंटी देते हैं। और क्योंकि आप SP साहब नहीं है तो हमारे लिए तो आप ही DSP हेडक्वार्टर हो, तो SP का आप ही जो देख रहे हो मामला, पर ये जो है ना बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है और ये इस तरह से नहीं चलने वाला है। क्यों, यदि जो है ना अब यदि गिरफ्तारी करने का काम भी भीम आर्मी करने लगी तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी ना जी। यदि यूं कह पुलिस के भाई हमें नहीं मिल रहे हैं तो फिर हम ढूंढना शुरू करते हैं उनको, फिर हमें सुरक्षा जो है सहयोग आप दो, हमें हम देखते हैं ना कैसे नहीं पकड़ पाते। हम नहीं कहते किसी की, मंत्री पर्दे के पीछे किसकी कहता है क्या कहता है पता सब है, पर सरकार अपने तरीके से चलती है, इसलिए जो है हम नहीं कहते। हम तो आपको जानते हैं क्योंकि अथॉरिटी आप हो, मंत्री ने क्या कह दिया, मुख्यमंत्री ने क्या कह दिया, इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है। पर एक ऐसा ही जींद का मामला था जो कि बहुत हाईलाइट हुआ, खापड़ और छात्र गांव में, वहां जो है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का हलका था, वहां भी वो कहते थे कि भाई दुष्यंत चौटाला FIR नहीं होने दे रहा। दूसरे दिन FIR हो गई थी, हम वहां से जब ही ले थे जब FIR हो गई थी और गिरफ्तारी भी हो गई। तो इसलिए कोई मंत्री संतरी का दबाव हो तो आपसे रिक्वेस्ट है DSP साहब के भाई उसको साइड में कर दे, एक महीना बहुत हो गया, इससे ज्यादा जो चलने वाला नहीं है दबाव। हमारी तरफ से जैसा सहयोग चाहिए हम तैयार हैं। और यूं कहा ना कि भाई वो गांव में जो है इन्हें धमकी देते हैं, हम जाके यहां से सीधे अब गांव में ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप इन्हें सुरक्षा दे नहीं रहे और इनके ना सुरक्षा की गारंटी दे रहे, उनको उनके समझ में नहीं आ रही वो भाषा आपकी जो समझाना चाह रहे हो। फिर आप हमें ही कहोगे कि हम ही लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहे हैं, यदि हम अपने लोगों की सुरक्षा के लिए जाएंगे तो आप ही कहोगे कि लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहे हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है हमारी कि भाई आप जो है ना इसे सुनिश्चित कर दें, इलाज बहुत है उनके। और क्योंकि इस गांव में लगातार कई घटना घट रही है, ये जो है ना रिकमेंडेशन है, अभी हम DC साहब से भी मिलेंगे, उनको भी कहेंगे कि भाई इनको कम से कम 10 आर्म्स के जो हथियार आप दिलाने की जो है वो कराने अनुशंसा है। यहाँ SP साहब बनाते हैं या अपना जो DC साहब, DC साहब नहीं सब्जी का नहीं बनाते भाई, जहाँ कमिश्नर है वहां नहीं बनाते। तो आप भी जो है ना इस गांव की रिपोर्ट बना के दें, क्योंकि जहां एक बार के अलावा दूसरी घटना यदि दोहराई जा रही है एट्रोसिटी की, तो वो समझो कि कहीं ना कहीं जातीय उत्पीड़न है ही है उस गांव में लगातार है। तो इसलिए ऐसे गांव में सुरक्षा देने के लिए, उनको विश्वास दिलाने के लिए भाई अपना जो 10 आदमी सरपंच साहब अपना जो है ना आर्म्स के लाइसेंस के लिए करो, हम जोर लगाए हैं उसमें, ठीक है। और अभी कोई भी अपना DC साहब के पास चलेंगे तो आप जो कोई भी 5 आदमी हमारे साथ चलो, अभी DC साहब से मिलेंगे। और ये हम जो है SP साहब का जो है हम अपना DP साहब को दे रहे हैं, DP साहब आपसे विनम्र निवेदन है
कि भाई इसमें जो है आप अच्छे से जो है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो गई कोई बात नहीं, ठीक है जी। तो इसमें जो आरोपी है उसे भी गिरफ्तार करें, तो पिछली है उसमें भी करें, फिर मैं आपसे जो है ना एक दो दिन के बाद आपसे जो है बात करूंगा, ठीक है जी। जो आरोपी है ना भाई नेम दे रखे हैं, भाई नेम है तेरा, कोई बात नहीं, हम मैं खुद जो है ना साहब एक बार पानी का और बोलिए, पानी का रोका हुआ है अभी, एक सुनो उसे खुलवाइए प्लीज, उसे खुलवा। और एक ये मानपुर का है, ये भी आपके अधीन का है जी, अरे भाई मुंडकटी चौकी है, हतीन का ही है, हतीन मनोक का ही है, ये भी आपके अंडर है, तो इसमें भी आप बताए। चलो जो भी है ना, आप हेडक्वार्टर है तो आपसे तो हम कह ही सकते हैं, ठीक है जी। और एक वहाँ इतने जो कोई व्यवस्था नहीं होती है, शांति कायम नहीं होती है, सारे आरोपी गिरफ्तार नहीं होते हैं, एक जिप्सी जो है परमानेंट वहाँ लगवाया, ठीक है। पानी का तो जो भाई के साथ आज तक कुछ भी नहीं हुआ, कोई एप्लीकेशन है, कॉपी दो ना, पता नहीं चली गई किधर। ओ भाई सुनो, ये सारे जितने भी आपके मामले ना, एक एप्लीकेशन दोबारा बनाओ, दोबारा इनको मेमोरेंडम दे, ठीक। 19-5 कह ली, अभी तक डीएसपी साहब बीच तबादला हो गया, अब तक कुछ सबकी एक ही बना लो, एक है ना भाई। सुनो डिप्टी साहब, आपके सामने मैं इन्हें ये आश्वासन दे रहा हूँ कि भाई आज के बाद इनके पास कोई धमकी वाला नहीं पहुंचेगा, ठीक है जी। और भाई तुम्हारा अपना अधिकार है, मैं कह रहा हूँ खूब रिकॉर्डिंग हो रही है, जो कार्रवाई बनती हो मेरे खिलाफ कर लेना, आत्म रक्षा में जो तुम पे करा जाए वो कर लेना, ये तुम्हारा अधिकार है। तुम्हारी बहन बेटी के साथ कोई अत्याचार करे, तुम्हारे साथ कोई अत्याचार करे, जानलेवा हमला करे, एक की जगह 10 उठा देना भाई, ये तुम्हारा अपना अधिकार है, पक्की बात है जी, ठीक है ना। बिल्कुल तो अपना जो है ना बिल्कुल क्लियर बात है, क्योंकि इस तरह रोज घटना घटती रहेगी, हम केवल जो है ना FIR दर्ज करवाने के लिए भी हमें रोड पर संघर्ष करना पड़े, ये जो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, इसलिए आप निश्चिंत होकर अपने घर जाएं। आज जो हम इनकी बात पर पूरा आश्वासन है इन्होंने दिया है, हम मान रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, करना भी चाहिए अधिकारी के ऊपर विश्वास, तो इसलिए जो है अब दोबारा घटना नहीं घटेंगे, अभी जो है डिप्टी साहब अच्छी तरह पेस टाइट कर दे, ठीक है जी, इतना ही हमें चाहना, ठीक है जी। और ये पानी की समस्या है जो भी है, हम पूरा जो है अपना इसे देख लो, ठीक है। और अभी एक बार डीसी साहब के पास।